हाय प्यारे बच्चों, UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज सिंगल लाइन 20 प्लस क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन का सिलसिला विद ट्रिक कंटिन्यू जारी है और आपने अगर अपने मित्रों को अभी तक हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो हमारा वीडियो शेयर करें। हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे प्ले स्टोर के लिंक में। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फेराइट किस चुंबकीय ग्रुप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो फेराइट है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है और इसकी चुंबकशीलता जो μr होता है, इसकी चुंबकशीलता जो है वो 1000 से भी अधिक होती है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलेमाइन पॉलीमर्स से किसका निर्माण किया जाता है? तो न टूटने वाली क्रॉकरी। तो ये क्रॉकरी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, बता दें आपको, जो घर में यूज करने वाले कप प्लेट जिनमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, कप प्लेट जो होते हैं, न टूटने वाली क्रॉकरी, ये सभी क्रॉकरी के अंतर्गत आते हैं, गुलदस्ते वगैरह और कप प्लेट। तो ये कैलेमाइन पॉलीमर्स से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कौन सा इंसुलेटर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में उपयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स, लो वोल्टेज के लिए इसकी अधिकतम वोल्टता 650 है। 650 वोल्टेज से कम के लिए उपयोग में लाते हैं साइकिल इंसुलेटर, जबकि 11 kV और इससे ऊपर की वोल्टेज के लिए उपयोग में लाया जाता है डिस्क इंसुलेटर। फ्रेंड्स, याद रखना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में उपयोग में लाया जाने वाला डिस्क इंसुलेटर 11 kV से ऊपर और साइकिल इंसुलेटर 650 kV और इससे नीचे की वोल्टता के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स, साइकिल इंसुलेटर को हम रील या निगड़ी इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं, रील निगड़ी। अगला क्वेश्चन है, बूस्टर खाली स्थान दिया गया है, इसके बाद में कनेक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि जो बूस्टर हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। बूस्टर होता क्या है? फ्रेंड्स, बूस्टर जनरेटर भी होता है जो कि DC श्रेणी जनरेटर के अंतर्गत आता है, जबकि बूस्टर एक ट्रांसफार्मर भी होता है जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिरे से सप्लाई फीड की जाती है। तो ये बात याद रखना, रेडियल में एक सिरे से सप्लाई फीड की जाती है, जबकि रिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो उपभोक्ता होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो उपभोक्ता होता है उसको दो या दो से अधिक सिरों से विद्युत सप्लाई को फीड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, सबसे विश्वसनीय जो फीडर प्रणाली है ये रिंग प्रणाली होती है, जबकि रेडियल प्रणाली कम विश्वसनीय होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस आवृत्ति के चालक में कोरोना का प्रभाव कम होता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये सर्कुलर जो चालक होते हैं, सर्कुलर का मतलब होता है अंडाकार के जो चालक होते हैं उसमें कोरोना का प्रभाव कम होता है। कोरोना को कैसे पहचाना जा सकता है? फ्रेंड्स, कोरोना को नीली चमक, सीसी की ध्वनि और ओजोन गैस की सुगंध के साथ इसको पहचाना जा सकता है। ये इसकी तीन प्रॉपर्टी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी वोल्टेज बढ़ रही है तो कोरोना प्रभाव जो है वो बढ़ता है। कोरोना जो है वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, जो कोरोना होता है, ये कोरोना जो होता है ये आपका आवृत्ति प्लस 25, ये फ्रिक्वेंसी के भी सीधे समानुपाती होता है। अगर ये आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो कोरोना का मान भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, डीसी का जो कोरोना होता है, डीसी का कोरोना इक्वल टू
एसी का कोरोना बटे तीन होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, ए सी एस आर का अर्थ क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। यहाँ हम कह सकते हैं एल्युमिनियम आच्छादित स्टील रीइंफोर्स या आंतरिक भाग में स्टील का चालक और इसके ऊपर ढके हुए हैं इसको एल्युमिनियम के कंडक्टर, इसको ए सी एस आर कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो पोलों के मध्य सैग होता है, तो टू पोल्स के मध्य जो सैग होता है, सैग एस इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे एट टी। इसमें डब्ल्यू है चालक का भार, एल है रेंज परास लंबाई और टी है इसका टेंशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि टू पोल के प्रत्यावर्तक को 60 एच जेड पर चलाने पर इसकी गति क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो गति होती है ये ns होती है, ns इक्वल टू 120 f बटे p। इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमको रखना है 120 इंटू 60 अपान 22, पोलों की संख्या रखेंगे, दो से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 60 आएगा और यहाँ आपकी जो गति है ये हो जाएगी 3600 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट। जो दो पोल की मशीन है जिसमें 60 एच जेड की आवृत्ति पर इसको यदि चलाया जाए तो इसकी गति 3600 rpm हो जाती है। और इस प्रकार के अल्टरनेटर को, यदि ये अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर को हम टर्बो अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, टर्बो अल्टरनेटर के नाम से इसको जानते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संट धारिता तथा म्यूचुअल धारिता। हमारे कहने का मतलब है CS/CM, इस ये होता है के इक्वल, तो CS/CM का मान सदैव होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका मान सदैव जो है ये एक से कम होता है, इसका वैल्यू सदैव एक से कम होता है और ये के का वैल्यू हमेशा 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू हमेशा 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होता है ये एक से अधिक नहीं होता है, अधिकतम इसका वैल्यू एक होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टैटिक शील्डिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो जो स्टैटिक शील्डिंग होता है ये हम कैसे जानते हैं कि स्टैटिक शील्डिंग होता कहाँ है? एक लड़ी इंसुलेटर बनाइए, सस्पेंशन इंसुलेटर, जब सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया गया इसके नीचे यहाँ पर चालक और यहाँ पर एक सर्किल नुमा एक चक्र लगा होता है लोहे का या धातु का एक चक्र लगा होता है जो इस इंसुलेटर की सस्पेंशन इंसुलेटर के सबसे निचले डिस्क के पास होता है और इसी से होकर के गुजरते हैं चालक। तो फ्रेंड्स जो ये रिंग लगाया गया है इसी को स्टैटिक शील्डिंग के नाम से जानते हैं, इसको ग्रेडिंग रिंग भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि इस लड़ी की वोल्टेज, जो लड़ी के ये निचले स्तर का जो आपका इंसुलेटर है इसकी वोल्टेज घट जाती है और पूरी लड़ी की वोल्टेज जो है वितरण एक समान हो जाता है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है निचले स्तर का। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक शील्डिंग का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ लड़ी के प्रत्येक डिस्क में वोल्टता का वितरण समान करना, ये इस रिंग जो यहाँ पर लगाया गया है इसको ग्रेडिंग रिंग या गार्डिंग रिंग के नाम से जानते हैं, इसके उपयोग से ये प्रत्येक डिस्क का वोल्टेज एक समान हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी फ्यूज की रेटिंग किसमें दी जाती है? तो याद रखना फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है। अगला है SCR के टर्मिनल होते हैं तो इसको गेट एनोड और कैथोड कहते हैं। SCR बनता कैसा है? जो SCR है वो हम लोग कुछ इस हिसाब से SCR को जानते हैं, ये एक प्रकार का डायोड होता है और इसमें एक गेट होता है डायोड में, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया कैथोड और यहाँ होता है गेट, इसको हम कहते हैं SCR। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वितरक सामान्यतः किससे सप्लाई प्राप्त करता है? तो वितरक हमेशा फीडर से सप्लाई प्राप्त करता है, सबसे पहले होता है मुख्य फीडर, इसके बाद होता है फीडर, इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर जिसको वितरक कहते हैं, इसके बाद होता है सर्विस लाइन या सर्विस मैन। जो सर्विस लाइन होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जो उपभोक्ता के पास घर के द्वार पर एक खंभा होता है, खंभे से घर के पास
खंबे से घर के पास जो केबल खींची जाती है इसको सर्विस लाइन कहा जाता है, और जो इधर वाला ये लाइन होता है इसको हम लोग वितरक के नाम से या डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। इसके आगे जो गांव के पास में एक ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से उत्पादन केंद्र से इतने बीच की दूरी को हम फीडर के नाम से जानते हैं। फीडर इसमें सबसे अधिक लंबाई का होता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद सर्विस लाइन या सर्विस मैन होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लुप्त हो जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि पी इक्वल टू वी आई साइन, यहाँ पर फाई नहीं बन पाया, पी इक्वल टू वी आई साइन फाई कौन सी शक्ति है? तो ये प्रतिकारी या इसी को रिएक्टिव पावर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के वी ए कास फाई, के वी ए कास फाई इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर होता है वास्तविक शक्ति किलोवाट इक्वल टू आभासी शक्ति के वी ए इंटू पावर फैक्टर कास फाई। तो ये वास्तविक शक्ति होती है जिसको हम किलोवाट के द्वारा दर्शाते हैं। किलोवाट जो आपकी रेटिंग होती है ये फ्रेंड्स होती है किसकी, जनरेटर की, डीसी जनरेटर की, और केवीए जो है ये ट्रांसफार्मर की या अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, जबकि केवीएआर जो रेटिंग होती है ये कैपेसिटर की होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्यू इक्वल टू वन अपन आर अंडर रूट एल बटे सी, एल बटे सी, तो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला होता है क्यू कारक या क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर के द्वारा हम किसी कुंडली की गुणवत्ता का मापन करते हैं। कोई भी अगर ये कॉयल है इसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है क्वालिटी फैक्टर के द्वारा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंसुलेटर कार्यों के लिए प्रयुक्त पेपर है, तो इंसुलेटर कार्यों के लिए जैसे कि हम जब बाइंडिंग करते हैं किसी भी मशीन का, तो उस बाइंडिंग में एक पेपर प्रयोग किया जाता है। पेपर का रंग होता है ग्रीन और इसको क्राफ्ट पेपर कहा जाता है। इस पर ग्रीस और तेल इन दोनों का प्रभाव नहीं होता है, इस नाते इस पेपर का उपयोग विद्युत रोधन के रूप में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्राफ्ट पेपर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पीवीसी पेपर भी उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु क्राफ्ट पेपर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि वोल्टेज का मान एन गुना बढ़ता है तो चालक के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है यदि एन गुना वोल्टेज बढ़ेगा तो चालक का साइज वन अपान एन स्क्वायर गुना जो है वो घटता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कंडक्टर का इकोनॉमिकल साइज, जो कंडक्टर का इकोनॉमिकल साइज जो है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है यहाँ पर केल्विन के नियम के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो केल्विन के नियम के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है केल्विन के नियम के द्वारा इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी एक ट्रिक्स भी है, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको कंटिन्यू एक ट्रिक जरूर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर इसको मिला करके अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये 52 लिखा हुआ है और 182 इसको मिला करके पढ़ लेंगे। अगर हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे, इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक वाइट इक्वल टू दो निबल होता है। अगर हम इसकी और इसकी इनकी दोनों की अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर होगा आपका दो निबल बराबर आठ बिट, दो निबल बराबर आठ बिट। इनको दोनों को अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये 4 आएगा और ये आएगा आपका 1, तो एक निबल बराबर 4 बिट होगा। एक निबल इक्वल टू 4 बिट। अगर यहाँ से कहा जाए कि 4 बिट बराबर कितना निबल होता है, तो हम कह सकते हैं 4 बिट बराबर एक निबल या फिर 8 बिट बराबर दो निबल। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि एक बिट में कितने निबल होते हैं, तो एक बिट जो होती है एक बाइट में दो निबल होते हैं। फिर लिखा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर आगे लिखा है कि 4 बिट, तो 4 बिट में निबल की संख्या कितनी होती है, तो 4 बिट में निबल की संख्या फ्रेंड्स एक होती है। इसको यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4 बिट में निबल की संख्या एक होती है। इसको बहुत आसानी से आप बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं, इससे आपको कंप्यूटर का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंद फ्रेंड्स।